छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव चल रहा है, साथ में राजोत्सव भी चल रहा है। इसमें कई सारे राजोत्सव में पंडाल लगे हुए हैं, जिसमें एक पंडाल लगा हुआ है MD बॉटनिकल का। यहाँ एक मैम है, उनसे हम बात करते हैं कि ये जो सब मैम बताई कि जो प्रोडक्ट है बस्तर से लॉन्च किया गया, बस्तर का प्रोडक्ट है, उनका उत्पादन भी वहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो उत्पादन होता है बस्तर की महिलाओं के द्वारा और महिला स्व सहायता समूह के द्वारा होता है। इससे 700 जो परिवार हैं उनको रोज़गार प्राप्त हो रहा है। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते सर। मैम ये जो प्रोडक्ट है कब से इसकी शुरुआत हुई बस्तर में, लोगों को कैसे रोज़गार मिलना प्राप्त हुआ? जी मैं अपूर्वा त्रिपाठी हूँ और हमारी जो संस्था है इसका नाम है माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह और कोंडागांव बस्तर से हैं हम। 1996 में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जो हमारे फाउंडर हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया था और खेती करते थे। विद टाइम हमने एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ाया है और अभी लगभग 1000 से 1500 एकड़ पे हमारी खेती होती है। 700 से अधिक परिवार है जो जुड़े हुए हैं और पिछले 25-30 साल से from 3 decades जुड़े हुए हैं और खेती करते हैं। और महिलाएं ज़्यादातर हैं हमारे यहाँ, जैसे आप समझेंगे जानते ही होंगे कि बस्तर में महिलाएं बहुत कर्मठ होती हैं, तो ये भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वहीं बनते हैं। हमारी एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ पे हम ये डेवलप करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और 32 प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किए हैं MD बोटानिकल्स के नेम पे। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें फूड ग्रेड भी है और कह सकते हैं मेडिसिनल जो हर्ब्स हैं जो अभी फूड सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं और कोरोना के बाद और ज़्यादा प्रचलित हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स ये हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर बोलूँ तो सबसे पहले तो आयुष को आते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमको लाइसेंस दिया हुआ है, हम उनके अंडर बनाते हैं। और बाकी रॉ हर्ब्स के जो पाउडर है 100 ग्राम पे है, ब्लैक पेपर, हल्दी, स्टीविया, वीट ग्रास पाउडर। और हम राइस के रेंज भी अभी चालू कर रहे हैं, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस। और इन सब पे हमने इंटरनेशनल और नेशनल सारे जो नेसेसरी सर्टिफिकेशन से लिए हैं। इंडिया के लिए एपीडा जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देता है, हमारा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है हर एक प्रोडक्ट, एवरी इंच ऑफ लैंड, खेती भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से ही होती है। और जो भी सर्टिफिकेशन हमको ज़रूरत पड़ती EU के नॉर्म्स पे, यूरोपियन यूनियन और UK और US के एक्सपोर्ट के लिए हमने वो सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं। पूर्वा जी ये जो इसकी शुरुआत हुई, ये जो कंपनी की शुरुआत हुई, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? कहे कि बस्तर जो है आदिवासी प्रभावित क्षेत्र है और जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है कहा जाए, तो कितना समस्याओं का सामना करना पड़ा वहाँ शुरुआत करने से पहले आपको? मैं ये कहूँगी हमको समस्या तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, बट हाँ जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए है कि उनको लगता है ये जो क्षेत्र है सबसे पहली चीज़ जो इसकी पहचान नक्सलवाद है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ का फ्लोरा एंड फौना ऐसा है कि बहुत अच्छी खेती होती है। एक मैं एग्जांपल आपको ये ब्लैक पेपर का ही बताऊंगी। हम ब्लैक पेपर वहाँ ग्रो कर रहे हैं और हमने जैसे आप देखेंगे हमारे 3 decades के एफर्ट है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के ये डेवलप करने के, हमने ये प्लांट वैरायटी भी रजिस्टर कराया हुआ है। जब सर ने ये चालू किया तो सबने कहा कि बस्तर में ये हो ही नहीं सकती, पर इसकी जलवायु ऐसी है कि इतनी अच्छी तरीके से होती है ब्लैक पेपर कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसका पूरा मुआयना किया और कहा कि इसका जो कंटेंट पेपरिन ये केरला से भी कुछ कुछ जगहों पर केरला से भी ज़्यादा है बस्तर पर। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा है फ्रॉम द नेगेटिव वन पार्ट विच इज़ नक्सलवाद। तो हमको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई है। वहाँ के जो लोग हैं हमारे साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं, उनको हम लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। माईसेल्फ मैं भी एडवोकेट हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काम देखती हूँ और ब्रांडिंग, पेटेंटिंग हम उनको भी सिखाते हैं कि अगर वो कुछ जैसे आप समझेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी वो जो क्रेडिट्स मिलना चाहिए, रॉयल्टी मिलना चाहिए अगर बड़ी कंपनियाँ उनसे कोई फ़ायदा ले रही हैं। अब वो दवाई का कोई फार्मूला हो गया या खेती का कोई एक सलीका तरीका हो गया तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। मैम जो आप उत्पादन कर रहे हैं, कहा कि बस्तर का क्षेत्र है जंगल क्षेत्र है, तो वनोपज जो वहाँ से आ रहे हैं उसमें तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा वनोपज से वहाँ के? सर हम कलेक्ट नहीं करते, हम ग्रो करते हैं और जो कलेक्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ तो जैसे आप समझते हैं बहुत अच्छी मात्राओं में बहुत अच्छे हर्ब्स वहाँ ग्रो हो रहे हैं, पर हम पर्सनली वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, वाइल्ड कलेक्शन नहीं करते हैं सर। मैम आप उत्पादन कर रहे हैं लेकिन जैसे बिक्री की बात होती है, उत्पादन तो हो जाता है लेकिन बिक्री में बहुत तकलीफ होती है, बहुत समस्या होती है, तो बिक्री के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आपके द्वारा? ये हमारा बस आप सोचिए अभी हमने बस लॉन्च ही किया है, 32 प्रोडक्ट हैं, कुछ इसमें प्रोसेस्ड हैं जैसे त्रिफला है,
डाइजेशन के लिए, त्रिकटु है गले के दर्द और इन सब चीज़ों के लिए, और कुछ बस रॉ हर्ब्स है। तो हमने कोशिश पूरी करी है, पैकेजिंग में बहुत मेहनत करी है, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है और पूरे मतलब इंडिया के नॉर्म्स को भी फुलफ़िल करती है और इंडिया के बाहर कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए भी फुलफ़िल करती है। और कोशिश हम कर रहे हैं इंडिया में कि बहुत जेनेरिक तरीके से मार्केटिंग करें, हमने ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट और ये सारी चीज़ों का ना हमारे पास वैसे मॉनिटरी मसल होते हैं कि हम करें, पर ये क्वालिटी ऐसी है कि हमको लगता है लोग यूज़ करेंगे तो ज़रूर बहुत बेनिफिट करेगी लोगों को और घर घर पहुँचेगा। ये हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमने ऑनलाइन डाली है ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे अभी, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि क्वालिटी एक चीज़ है हम जो अश्योर कर सकते हैं क्योंकि हम खुद ग्रो कर रहे हैं ये। मैम, शासन जो है महिला स्व सहायता समूह और स्थानीय प्रोडक्ट को महत्व दे रहा है, कितनी प्रोत्साहन मिल पा रही है शासन से आपको अभी? जी, हमको तो बहुत प्रोत्साहन मिल रही है, अभी भी पहले भी ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो स्टॉल है कह सकते हैं, हमको हमेशा बुलाया जाता है। श्री भूपेंद्र पांडे जी हैं, हमेशा हमको समय समय पे बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं, बुलाते भी हैं और लोगों को भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। कल हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो भी आए हुए थे यहाँ पर और सारे लोग भी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो आए हुए थे, उनको प्रोडक्ट दिया गया है, हमने गिफ्ट भी किया है, तो उनने भी हर साल वो देखते हैं, हमको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैम, ये जो प्रोडक्ट लगा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, इसमें कौन सा लगता है आपको कि जो लोगों के लिए बहुत लाभकारी है, इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा आपकी नज़र में? है प्रोडक्ट तो सब अपने अपने यूज़ के लिए, कुछ किचन के लिए है कह सकते हो तो कुछ ये फूड सप्लीमेंट के रेंज में कह सकते हो, कुछ ऐसा है जो बस हम ही बनाते हैं जो है सफ़ेद मूसली पाउडर आप कह सकते हो, क्योंकि ये हम ही बनाते हैं ऐसा नहीं, पर प्योरेस्ट फॉर्म हम आपको क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हम इंडिया में लार्जेस्ट ग्रोअर है सफ़ेद मूसली के। और एक हमारी हर्बल टी है जिसे, और ये जो हर्बल टी है ये दिखती इतनी छोटी सी पैकेट है पर इसमें स्टीविया डाला हुआ है और इसमें 150 के आसपास कप बनेगा, इतना छोटा सा स्पून लगता है और बॉइल्ड वाटर में लगता है, और इससे बाकी सारी चीज़ों में तो हेल्पफुल होती है जैसे बाकी हर्बल टी होती है कि वेट कम करने में हेल्पफुल है, ऐसा नहीं वेट कम कर ही देगी, हेल्पफुल है, और लेथार्जिक अगर लग रहा है तो एनर्जी प्रोवाइड करती है और गले के दर्द के लिए इट्स यूज़फुल। बट एक चीज़ है जो बाकी हर्बल टी से थोड़ी डिफरेंट है, इसमें स्टीविया डाला हुआ है, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, 45 डेज़ वो ट्राई करें और शुगर लेवल फिर चेक करें, हमने देखा है, हमको बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, टेस्टिमोनियल्स है हमारे पास जहाँ पे बहुत कारगर है। पूर्वा जी, लोगों से क्या आग्रह करते हैं, क्या अपील करते हैं आप? यही कहेंगे कि देखिए, कहने की भी ज़रूरत नहीं, अब तो कोरोना के बाद लोग ऑर्गेनिक ही खाते हैं, बट यही है कि प्रमोट करें ऑर्गेनिक खेती भी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी और लोकल हमारे जो प्रोडक्ट हैं छत्तीसगढ़ के वो। शासन और प्रशासन लगातार स्थानीय प्रोडक्ट और स्थानीय लोगों को महत्व दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। इसी कार्यकाल में अभी जो बस्तर के महिला स्वसहायता समूह हैं उनके द्वारा प्रोडक्ट लॉन्चिंग की गई है, 38 से अधिक प्रोडक्ट इनके द्वारा लॉन्चिंग की गई है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बस्तर की महिला स्वसहायता समूह और 700 परिवारों को इनके द्वारा रोजगार मिल रहा है, तो सरकार प्रोत्साहन दे रही है और प्रोत्साहन का फायदा भी साफ दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन आयुष के साथ मैं योगेश यादव, रायपुर छत्तीसगढ़।